सन 1850, 20 साल की अलिस्वा अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी 3 साल की बच्ची के साथ इस दुनिया में अकेली हो चुकी है। हिम्मत से काम लो अलिस्वा, प्रभु की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर तुम्हें हिम्मत दे अलिस्वा। ईश्वर तुम्हारे पति की दिवंगत आत्मा को शांति दे। उस समय की रीति के अनुसार विधवा को दोबारा शादी करना जरूरी है, लेकिन उसने कुछ और तय किया है। उसने चुनी है दूसरी राह। उसने चुना है उस परिवार को जिसे उसके पति वरीद पीछे छोड़ गए हैं, और चुना है समाज नारी अपने अधिकारों से वंचित है। वे इसके लिए अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई का क्या महत्व है जिसमें सही मार्गदर्शन ना हो। इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ विशेष व्यक्तियों को तैयार करना होगा। फादर जी, इसके लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, उसके बिना कार्य संभव नहीं। शिक्षा के अभाव के कारण ही महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं। यूरोप में हमारे साथी मिशनरियों द्वारा किए गए समाज सुधार कार्यों से सीख लेते हुए हमें भी महिलाओं के लिए कुछ विशेष मठ बनाने चाहिए, जहां वे न सिर्फ शिक्षा प्राप्त करें और अन्य कलाएं भी सीखें। लेकिन फादर जी, मठों की स्थापना के लिए धन जमीन उनकी आवश्यकता होगी। आप सही कह रहे हैं, धन और जमीन हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। हम लोग कुछ लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे, कुछ हम लोग और भी जगह से धन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जमीन की भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। लेकिन हमें ये सुधारात्मक कार्य करना है जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके। अगर हम ये नहीं करेंगे तो महिलाएं कभी आगे नहीं आ पाएंगी, ना ही उनका कोई उत्थान हो पाएगा, ना ही वे आगे बढ़ पाएंगी, ना ही कुछ सुधार हो पाएगा। जो उनकी आज स्थिति है वो स्थिति उनकी हमेशा ही रहेगी। अब्बा, मेरे पिता तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो।
मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूँ, उस ईश्वर को जो मेरा हितकारी है, जो पर्वतों का निर्माण करता है और हवा बहाता है, जो मनुष्य को अपना मित्र बनाता है, जो प्रकाश और अंधकार दोनों रचता है और पर्वत शिखरों के ऊपर विचरता है, उसका नाम प्रभु है, विश्वमंडल का ईश्वर है। मैं आपको पुकारता हूँ प्रभु, कि जो आज्ञा आपने मुझे दी उसे पूर्ण करने के लिए मेरा पथ प्रदर्शित करें। आमीन। इधर संत चावरा महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत थे और उधर एलिस्वा अपना प्रार्थनामय जीवन लोगों की सेवा में व्यतीत कर रही थी। अब उसकी बेटी ऐना, वो 14 साल की हो रही थी और अपनी माँ के साथ रोज गिरजा जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करती। ऐसे ही एक दिन उसकी भेंट फादर लियोपोल्ड बकारो से होती है। हे प्रभु यीशु, मैं एक अयोग्य दासी हूँ, लेकिन फिर भी मैं सन्यासी जीवन जीना चाहती हूँ। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मैं केवल निरह प्राणी हूँ। मेरा यह कदम इस सन्यासी समाज के लिए आदर्श बने, ऐसा आशीष दें। आमीन। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ नियमित तौर पे आते देखा है। तुम्हारा प्रार्थना के प्रति समर्पण मुझे बहुत प्रभावित करता है। फादर, मेरा नाम एलिस्वा है और ये मेरी बेटी ऐना है। मेरे पति की मृत्यु के बाद हम दोनों बहुत अकेले हो गए। फादर, मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने स्वयं आपको हमारे पास भेज दिया। हम दोनों ने ये निश्चय किया है कि अब हम अपना जीवन प्रभु की प्रार्थना में और गरीबों की सहायता में व्यतीत करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास अभी विवाह कर फिर से जीवन व्यतीत करने का रास्ता है एलिस्वा। तुम अपना जीवन सिर्फ प्रार्थना में क्यों व्यतीत करना चाहती हो? और फिर तुम्हारी एक बेटी भी है। फादर, मैंने सोच लिया है, क्या आप मेरी इसमें सहायता करेंगे? हम दोनों अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं, वे उनके पथ पर चलना चाहते हैं। तुम सही थे कोरियोकस, प्रभु पथ प्रदर्शित करेगा। फादर, फादर। ठीक है एलिस्वा, मैं फादर चावरा से इस बारे में बात करूंगा। वे इस कार्य के लिए पहले से ही प्रयासरत हैं। वे इसे जानकर खुश होंगे। हम फिर मिलते हैं। ठीक है फादर, अब हम चलें। फादर लियोपोल्ड बकारो इतालवी मिशनरी थे। उनकी और सन चावरा की उम्र में लगभग 30 साल का अंतर था, लेकिन दोनों के व्यवहारिक सोच और समाज के प्रति उत्थान का नजरिया एक था, इसलिए उन दोनों में अच्छी मित्रता भी हो गई थी। फादर लियोपोल्ड बकारो ने कुरियाकोस को सारी बात बताई। भारत की क्राइस्ट पूर्वजों का सपना लगता है कि अब जल्दी ही पूरा हो जाएगा। पूर्वजों का सपना? हाँ, बात सन 1500 के आसपास की है। केरल में हमारे क्राइस्ट पूर्वजों ने अविला की संत टेरेसा को चिट्ठी लिखी और उनसे गुजारिश करी कि वे यहाँ भारत में आए और कॉन्वेंट की स्थापना करें।
तेरा शुक्रिया परमपिता परमेश्वर कि तूने मुझे इस कार्य के लिए चुना। हे परम प्रिय प्रभु यीशु, मेरे जीवन के हर पल में आप मेरे साथ रहे। संसार के माया मोह से मेरी दृष्टि को दूर हटाना। संसार को क्षण मंगल है, मेरा ध्यान असीम शक्ति की ओर लगाना। मुझे भारत जाकर वहाँ की महिलाओं के उत्थान के लिए मठों की स्थापना की आपकी आज्ञा को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन। पुत्री तेरेसा, अभी तुम्हें इस काम के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। इस काम को तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों द्वारा महसूस किया जाएगा और इसकी शुरुआत सही समय आने पर तुम्हारे बच्चों के द्वारा ही की जाएगी। वे धर्म की पताका लेकर भारत जाएंगे और साधुओं एवं सन्यासियों के लिए मठों की स्थापना करेंगे। मुझे लगता है कि अब सही समय नजदीक है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है पादर प्रभु। आपने जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य किए हैं, मुझे यकीन है कि प्रभु की आज्ञा आप ही पूरा करेंगे। शुक्रिया पादर, मुझे नहीं हमें मिलकर ही कार्य करना होगा। कल ही हम जाकर एलिस्वा से मिलते हैं। मैं भी चाहता इस बार हमें मौका गवा लें। उथल पदवी में हुए भेदभाव को मैं भूला नहीं हूँ। उन 33 बहनों का तो जो उस समय मठ में आना चाहता है, लेकिन उस समय भारतीयों को मिली प्राथमिकता के कारण वे महिलाएं आ ना सकी। इस बार उनको उनका हक जरूर मिलना चाहिए। आदर प्रभु हमारी सहायता करें। आमीन। हे मेरे अब्बा, मैं केरल के कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने मेरे मन में प्रेरणा दी कि महिलाओं के लिए उनकी उन्नति के लिए मैं एक कन्या मठ की स्थापना करूं, जिससे समर्पण की भावना से उनका उत्थान कर सकूं। प्रभु, शिक्षा के अभाव में महिलाएं अपनी क्षमता विकसित करने से वंचित रह जाती हैं और समाज की मुख्य धारा में भाग लेने में असमर्थ हो जाती हैं। इसीलिए परमपिता परमेश्वर, आप ही इसमें हस्तक्षेप करें ताकि आपकी इच्छा मैं पूरी कर सकूं। समाज के लोग भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित हो जाएं, जिससे अज्ञानता, अंधविश्वास, अस्पृश्यता एवं रूढ़िवादिता, इन जैसी अनेकों बुराइयों से वे दूर हो जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, इसके लिए जिस भी चीज की जरूरत पड़े उसे पूरा कीजिए। ओजस्वी महिलाएं आगे आ जाएं और उन्हें एक उत्तम स्थान मिल जाए। हे प्रभु, इसमें जो भी कमियां आई हैं और जो भी कमियां आने वाली हैं, उन्हें दूर करते हुए हमें अनुग्रहित बनाए। आमीन। एलिस्वा, यहाँ बनने वाले मठ में न सिर्फ तुम्हें अपनी उन्नति देखनी है बल्कि यहाँ आने वाली अन्य महिलाओं के विषय में भी सोचना है। वह उनके मन में प्रार्थना के भाव जगाने हैं।
सिवा उन्हें अन्य कलाएं भी सिखानी है, जैसे सिलाई कढ़ाई, जिससे कि उनका जीवन सफल हो सके। हाँ एलिस्वा, और हमने तुम्हारे रिश्तेदारों से भी बात कर ली, वो इस जमीन को हमें देने के लिए राजी है, और इसके बदले उन पर जितना भी कर्ज है उसे हम पूरा उतारेंगे। हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि महिलाएं सुरक्षित रहें, जिसके लिए हम एक अलग मठ बनाए जो कि तुम्हारी बेटी के नाम जो जमीन उस पर बने हैं, और तुम्हारे मन में हमेशा प्रार्थना के भाव रहे, प्रभु के दिखावे मार्ग पर हम चलते रहें, वह अन्य महिलाओं का विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। मुझे लगता है प्रभु की भी यही इच्छा है, इसीलिए वो इस कार्य को करने के लिए हमें मार्ग प्रशिक्षित कर रहे हैं। और इस तरह CMC की स्थापना का कार्य शुरू हुआ। कुनमावू में एलिस्वा की बेटी ऐना की जमीन पर मिट्टी और बांस का एक झोपड़ी नुमा मकान तैयार किया जाने लगा। इसमें 3 शयन कक्ष, 1 प्रार्थना कक्ष और 1 भोजन कक्ष बनाया गया। मकान के आसपास ही बागड़ लगाई गई सुरक्षा के लिए, और उसके थोड़ा और आगे पूरे आश्रम को सुरक्षित करने के लिए एक और सुरक्षा बागड़ लगाई गई, और एक नया रास्ता गिरजा जाने के लिए बनाया जाने लगा। लेकिन राह आसान नहीं थी। उस समय कोई भी अपनी बच्चियों को ऐसे भेजने के लिए तैयार नहीं था। आप लोग ये क्या काम करवा रहे हैं? इनको कार्य की आवश्यकता नहीं है, इनको शिक्षा की आवश्यकता है। कैसे किसी के साथ में और बच्चे को शिक्षा का अपना महत्व, अगर ये बच्चियाँ शिक्षित हो जाएगी तो इनसे इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, ये उन्नति कर सकेंगी। अगर हम इनको शिक्षित करेंगे तभी समाज में सुधार हो पाएगा, तभी महिलाएं आगे जा पाएंगी। ऐसे में तो इनका भविष्य खत्म हो जाएगा, छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर ये शिक्षित होंगी तभी तो समाज में कुछ अच्छा हो पाएगा। देखिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं जिससे महिलाएं आगे आ सके, इसके लिए विशेष मठ भी तैयार कर रहे हैं, मठ की स्थापना भी कर रहे हैं, जहाँ इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। आप चिंतित ना हो, कृपया कर आप इनको हमारे साथ भेजिए, इससे इनका भविष्य बन सके। फादर चावरा, ये मेरी बेटी है ऐना और ये मेरी बहन है टेरेसा, ये दोनों भी हमारे साथ जुड़कर प्रभु को कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं। अरे वाह, आप दोनों का स्वागत है, टेरेसा व ऐना। आओ हम सब प्रार्थना करें। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक कन्या मठ की स्थापना करने के लिए सारी आवश्यकताएं पूरी करी, स्त्रियों और बच्चों के उत्थान के लिए और एक उत्तम शिक्षित समाज बनाने के लिए हमें आशीष दी। कन्या मठ में प्रवेश करने वाले आपके द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ये लोग इसकी नींव है, इनका आचरण हमेशा सराहनीय रहे, ये यीशु की सही अनुयायी बने, अपना जीवन निछावर कर प्रभु यीशु का जीवन अपनाए, जैसा मां मरियम ने किया। इस सन्यासी समाज को चारित्र्य के अनुसार जीवन बिताने का आशीष एवं अधिकारियों की अधीनता स्वीकार, ऐसा श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए आपका हाथ इनके सिर पर हमेशा बनाए रखें। आमीन।
और इस तरह तीन लोगों के साथ सीएमसी की शुरुआत कुनामाऊ में 13 फरवरी 1866 में हुई और तब से लेकर आज तक पूरे भारतवर्ष में लगभग 6,500 नन 21 प्रोविंस के द्वारा प्रभु यीशु का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं और जन जन की सेवा कर रही हैं निस्वार्थ भाव से। Thank you.